हेलो एवरी वन वेलकम टू आवर चैनल वी आर गोइंग टू डिस्कस द इनसाइड आयर्स डेली करंट अफेयर ऑफ सिक्स ऑफ फेबरुआ ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो लेट स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन जी एस टू से सबसे पहले न्यूज है द न्यूज़ इज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पोलिटिकल पार्टीज तो एज पर दसोसिएशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग क्या पता चला है कॉन्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट ऑफ ओनली सेवेंटी एट दैट इज थ्री पॉइंट थ्री नाइन परसेंट ऑफ द टोटल टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड वन रजिस्टर्ड अन रिकोगनाइज पोलिटिकल पार्टी वो सारे जो है दे आर इन द अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन फॉर ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी नाइनटीन एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे भी पता चला है कि ओनली एटी टू सच पार्टीज दैट इज थ्री पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट फॉर ट्वेंटी सेवनटीन ट्वेंटी एटीन आर अपलोडेड ऑन द रिस्पेक्टिव स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिस वेबसाइट ठीक है तो ये ये जो रजिस्टर अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है उनकी उतने में से बस सिर्फ एटी टू सच पार्टीज़ है जिनका जो है जो स्टेट की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है चीफ इलेक्टोरल ऑफिस वेबसाइट वहाँ पर अपलोडेड है उनके बारे में एंड द नंबर ऑफ दिस पार्टी इंक्रीजेज टू फोल्ड इन द लास्ट टेन ईयर दैट इज़ फ्रॉम वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व इन ट्वेंटी टेन टू टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड वन इन ट्वेंटी नाइनटीन ठीक है तो इस तरीके से तीन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है हमें इस रिपोर्ट से मिले हैं अभी वो रिपोर्ट कौन सी है एसोसिएशन फॉर अ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इज़ द रिपोर्ट्स नेम अब अभी यहाँ पे आया है अनरिकोगनाइज पॉलिटिकल पार्टी तो अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है आइडरली न्यूली रजिस्टर पार्टी और दोज और दोज विच डू नॉट हैव सिक्योर इनफ परसेंटेज ऑफ वोट इन दसेंबली और द जनरल इलेक्शन ठीक है तो कोई भी एक इनअ वोट्स या नहीं सिक्योर किए जाते ठीक है इनफ परसेंटेज ऑफ वोट उन सब वो सॉरी जो वो पार्टीज होती है ठीक है उनको कंसिडर करते हैं एंड दो ठीक है तो उनको एक पर पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ वोट्स नहीं मिले होते हैं टू तो बिकम द स्टेट पार्टी ठीक है तो वो सारे पार्टीज जो होते हैं वो अनरिकग्नाइज पार्टी में आते हैं उसके साथ साथ अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखी जाए अनरिकग्नाइज पार्टी की तो दोज पार्टी विच हैव बीन नेवर कंसिस्टेड इन इलेक्शन सिंस दे हैव बीन रजिस्टर्स आर कंसिडर टू बी द अनरिकग्नाइज पार्टी एंड सच पार्टी डज नॉट एन्जॉय ऑल द बेनिफिट विच आर इंटेंडेड टू बी रिकोगगनाइज और विच आर बेनिफिट विच आर एन्जॉयड बाई द रिकॉग्नाइज्ड पार्टी ठीक है तो ये एक हो गया रिकगनाइज सॉरी अनरिकग्नाइज पोलिटिकल पार्टी के बारे में अनरिकोगनाइज पोलिटिकल पार्टी का अगर काउंट वगैरह देखा जाए तो इंडिया में 2000 से भी ज़्यादा ठीक है 2360 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ पे है एंड उनमें से टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड वन देट इज़ नाइनटी सेवन परसेंट नाइन्टी सेवन पॉइंट फिफ्टी परसेंट जो है उनमें से अनरिकोगनाइज पार्टीज़ हैं रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है पोलिटिकल पार्टीज़ का तो जो हमारा रिप्रजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन है उसमें सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए उसके अकॉर्डिंग क्या पता चलता है इसी प्रोविजन के अंडर में रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी गवर्न की जाती है अ पार्टी सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द सेक्शन विद द इलेक्शन कमीशन हैज़ टू सबमिट द एप्लीकेशन टू द कमीशन ठीक है एप्लीकेशन देना पड़ता है इन द पीरियड ऑफ अ थर्टी डेज एंड एज पर द गाइडलाइन जो प्रिस्क्राइब की जाती है पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइजिंग द पावर कन्फर्म बाय द आर्टिकल थ्री टू फोर ऑफ द कमीशन ऑफ इंडिया एंड द सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन ठीक है इसके अकॉर्डिंग वही इलेक्शन कमीशन को अपलीकेशन को सबमिट करना पड़ता है विद इन द पीरियड ऑफ अ थर्टी डेज फॉलोइंग द डेट ऑफ विच द फॉर्मेशन हैज़ बिन टेकन प्लेस कौन एलिजिबल होता है फॉर द नेशनल पोलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया तो नेशनल पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया बनने के लिए इट सिक्योर एट सिक्स परसेंट जो होते हैं वैलिड वोट होने चाहिए इन फोर और मोर स्टेट इन द जनरल असेंबली इलेक्शन और द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन एडिशन इन एडिशन इट्स वीन एट फोर सीट इन द हाउसेस ऑफ अ पीपल फ्रॉम एनी ऑफ द स्टेट ठीक है एंड इट वीन एटलीस्ट टू परसेंटेज ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ अ पीपल दैट इज अलेवन सीट इन द एक्स्टिंग हाउस हैविंग फाइव फोर्टी थ्री मेम्बर्स ठीक है इस तरीके के ये तीन जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं दे आर एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ नेशनल पोलिटिकल पार्टी ऑफ ए इंडिया स्टेट पोलिटिकल पार्टी बनने के लिए तो स्टेट पोलिटिकल पार्टी बनने के लिए क्या होता है इट्स सिक्योर एट सिक्स परसेंट जो होते हैं वैलिड वोट होने चाहिए इन द पोल Of the state at the general election either in the house of a people or in the legislative assembly in addition unko at least those seats only in the legislative assembly of the state and at least three percent of a total number of a seat in the legislative assembly of the state tk or at least the three uh, seats in the assembly whichever is a more ठीक है तो ये क्राइटेरिया हो गया फॉर द बिकमिंग अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इनसे बेनिफिट क्या होता है तो इफ़ द पार्टी स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी होगी है तो उनको एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट हो जाता है रिजर्व सिंबल्स का ठीक है एक सिंबल्स जो होते हैं जैसे बीजेपी uh, का uh, लोटस का सिंबल है ठीक है कांग्रेस का एक पाम का सिंबल है हाथ का ठीक है तो इस तरीके से उनके एक रिकग्नाइज मतलब अलॉटमेंट हो जाती है रिजर्व सिंबल्स की उसके साथ साथ जो रिकग्नाइज स्टेट्स एंड पोलिटिकल नेशनल पार्टी होती है दे नीड अ वन प्रोपोजल फॉर फाइलिंग द नॉमिनेशन एंड एंड ऑल्सो एंटाइटल फॉर अ टू सीट ऑफ द इलेक्टरल रोल फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट कब फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ऑफ़ द टाइम ऑफ रिवाइजिंग ऑफ रोल्स एंड दर कैंडिडेट गेट अ वन कॉपी ऑफ ए इलेक्टरल रोल फ्री कॉस्ट ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन ठीक है भी मिलती है एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो लगते हैं स्टार कैंपेनर के टाइप पे दे आर आल्सो नॉट टू बी अकाउंटेड व्हेन द पार्टीज कंसीडर टू बी द स्टेट रिकगनाइज पार्टी होके स्टेट पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो ठीक है इस तरीके से ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं मूविंग टू अदर नेक्स्ट न्यूज जीएसटू से न्यूज़ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू इंश्योर द टाइमली सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम अंडर दिस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एवियेशन है उन्होंने अप्रूव किया है एक प्रपोजल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर फ्लाइंग ड्रोन ओवर द हंड्रेड डिस्ट्रिक ग्रोइंग राइस एंड द वेट एंड ये फर्स्ट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द पायलट स्टडी इन द कंट्रीज सो एज टू कंडक्ट द क्रॉप इल्ड एस्टिमेट ठीक है तो क्रॉप इल्ड एस्टिमेट को दिखा मतलब उसको सर्वे uh, करने के लिए ये फर्स्ट टाइम uh, इस तरीके की टेक्नोलॉजी का मतलब काफ़ी बार यूज तो हुई है पर फर्स्ट रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो रहेगी पायलट बेसिस पे इस तरीके का सर्वे करने के लिए कंडक्ट किए जाएँगे अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च हुई थी मर्ज किया गया था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को उसके बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था इसका मेन एम है कि वो रिड्यूस करे प्रीमियम बर्डन ऑफ अ फार्मर एंड इंश्योर करे एक अर्ली सेटलमेंट ऑफ अ क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम फॉर अ फुल इंश्योर्ड सम कवरेज देखा जाए तो ये स्कीम कवर करती है जितनी भी फूड्स है या ऑयल सीड है जो ऑयल सीड अलोंग विद एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप फॉर विच अ पास इल डाटा इज अवेलेबल एंड फॉर विच अ रेसिक्यूट नंबर ऑफ अ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट आर बिंग कंडक्टेड अंडर द जनरल क्रॉप इस्टीमेटेड सर्वे ठीक है तो इन सारे का कवरेज किया जाता है इन द स्कीम अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू पॉइंट ओ के बारे में अगर जाना जाए तो कंप्लीटली वॉलेंटरी है इट इज़ बीन डिसाइडेड टू मेक एनरोलमेंट जो होती है हंड्रेड परसेंट वॉलेंटरी दिया जाएगा फॉर ऑल द फार्मर फ्रॉम ट्वेंटी 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 खरीफ लिमिटेड टू द सेंटर सब्सिडीज तो स्टेट जो रहेगा सॉरी कैबिनेट जो रहेगा उन्होंने डिसाइड किया है एक कैप लिमिट रहेगी द सेंटर प्रीमियम सब्सिडी की अंडर दिस स्कीम फॉर द प्रीमियम रेट अप टू थर्टी परसेंट ऑफ अनिकेटेड क्रॉप and 20% of irrigated crops next मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टेट तो गवर्नमेंट ने इस पर ऐसा भी बोला है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएंगी टू द स्टेट और द यूटीज जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्कीम को एंड दे विल ऑल्सो गिवन एन ऑप्शन टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ एडिशनल रिक्स और कवरेज ऑफर फीचर्स जैसे कि प्रिवेंशन और प्रिवेंटेड सोविंग लोकलाइज कैलामिटीज़ हो ठीक है क्या क्या कवर करना है ठीक है आपको किस किस फैक्टर को कवर करना है स्कीम के अंडर तो वो सारा जो है स्टेट या यूटीज इंप्लीमेंट uh, uh, कर uh, जो भी इम्प्लीमेंट कर रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो डिसाइड कर सकते इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इस बार दी गई है पेनालाइजिंग द पेंडेंसी ठीक है इन द रिवैप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोविजन ऐसी इंकॉपरेट की गई है कि इफ स्टेट सॉरी रिलीज द शेयर बिफोर द मार्च थर्टी फर्स्ट ऑफ द खरीफ सीजन एंड थर्टी सप्टेम्बर फॉर अ रबी तो वो अलाउ नहीं करेगी टू पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम फॉर द सबसेंट ईयर एंड इन्वेस्टिंग इन द आई सी ई एक्टिविटीज तो इंश्योरेंस कंपनी जो रहेंगी हैव टू नाउ स्पेंड जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द टोटल प्रीमियम कलेक्टेड ऑफ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज ठीक है तो ये हो गया इस स्कीम के बारे में अब वॉट आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने एक देव गिवन अ स्मॉल इन्वेस्टर डायरेक्ट एक्सेस टू इट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो इससे क्या होगा अभी जो रिटेल इन्वेस्टर्स रहेंगे दे कैन डायरेक्टली ओपन देअर गिल्ड अकाउंट विद द आर बी आई एंड ट्रेड विद द गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो इसकी नीड क्यों थी इस रिसेंट अभी जो प्रपोजल आया है तो सबसे पहला नीड ऐसी थी तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ थी मार्केट में इज़ डोमिनेटेड बाय द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे कि बैंक हो गया म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी एंड ये जो एंटीटीज़ है इन इन lot size of rupees 5 crore or, or more so there is no liquidity in the secondary market for the small investor or the small uh, trader jinka size hota hai jo kam hota hai and in or uh, another one it is no ease way, easy way to them to exist their investment and thus currently jo directly direct uh, government securities head trading is not popular among the retail investor and thus to make it popular and to uh, एस देर इज नो लिक्विटिटी इन द से मार्केट फॉर द स्मॉल इवेस्टर फॉर वाइल कंसिडर ऑल दिस सिनारी इट वॉज अ ग्रेटर नीड टू ब्रिंग्स एच प्रपोजल अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या कती है गवर्मेंट सिक्योरिटी इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट जो इशू की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट कुछ की फीचर्स होते हैं इसके तो ये एक्नॉलेज करती है गवर्नमेंट डे पब्लिकेशन को इस सिक्योरिटीज होते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं और लॉन्ग टर्म होते हैं अभी शॉर्ट टर्म में ट्रेजरी बिल्ड जो ओरिजिनली विथ ओरिजिनल मैच्योरिटीज़ होती है फॉर लेस देन वन ईयर एंड लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ डेटेड सिक्योरिटीज़ बोला जाता है जिसका ओरिजिनल मैच्योरिटी पीरियड जो होता है एक या एक साल से ज़्यादा होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इशू कर सकते हैं uh, ट्रेजरी बिल एंड द बॉन्ड्स और अ डेटेड सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट ओनली इशू कर सकती है बॉन्ड्स और द डेटेड सिक्योरिटी ठीक है तो ट्रेजरी बिल जो है स्टेट गवर्नमेंट इश्योर नहीं कर सकती है एंड सिंस देर इज इशूड बाय द गवर्मेंट दे कैरी अ नो रिक्स ठीक है गवर्नमेंट इशू करते हैं देर इज अ नो रिक्स दैट इज जिसको हम रिक्स फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं एफ पी आई आर द अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गवर्मेंट सिक्योरिटी मार्केट विद लिमिट ठीक है तो आ, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट एक क्वांटिटेटिव तो लिमिट रखी गई है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्राइस जो है फ्लक्चुएट करती है शार्पली इन द सेकेंडरी मार्केट और इसके क्या रीजंस है तो सबसे पहला रीजन है डिमांड एंड सप्लाई जो होती है फॉर सिक्योरिटी सेकंड है चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी एंड अदर माइक्रो ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि लिक्विडिटी इन्फ्लेशन वगैरह हो गया डेवलपमेंट ऑफ इन द अदर मार्केटेस जैसे कि मनी फॉरन एक्सचेंज क्रेडिट एंड द कैपिटल मार्केट उसके साथ साथ डेवलपमेंट जो हो रहा है इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में स्पेशली ट्रेजर यू ट्रेजरीज में एंड पॉलिसी एक्शन बाय द आर जैसे कि रेपो रेट में कुछ चेंजेस या कैश रिजर्व रेशियो में चेंजेस ठीक है तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं दिस द रीजन कि क्यों गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती है उनके प्राइस इतने फ्लक्चुएट होते हैं इन द सेकेंडरी मार्केट डेनमार्क टू क्रिएट अ वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी तो डेनमार्क ने अप्रूव कर दिया है एक प्लान कि वो बिल्ड करेंगे वर्ल्ड की फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थन सी ये प्रोजेक्ट के बारे में देखा तो अगर देखा जाए तो ये आर्टिफिशियली आइलैंड रहेगा इनिशियल फेज इसकी साइज़ अगर देखा जाए तो एटीन फुट फील्ड्स रहेगा एंड ये जो प्रोजेक्ट है ठीक है आर्टिफिशियल आईलैंड वो बनाने वाले इट इज़ लिंक टू द हंड्रेड ऑफ ऑप्शोर्स विद द विंड टर्रबाइंस ठीक है ऑप्शोर विंड टर्बाइंस रहेंगे जहाँ पे आ, सप्लाई प्रोवाइड किया जाएगा बोध पावर टू द हाउस होल्ड एंड ग्रीन हाउस हाइड्रोजन टू यूज अ शिपिंग एविएशन इंडस्ट्री एंड हैवी ट्रांसपोर्टेशन ये आइलैंड प्रोड्यूस uh, करने के लिए हेल्प करेगा ठीक है सॉरी ये आइलैंड प्रोड्यूस एंड स्टोर करेगा इनफ ग्रीन एनर्जी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इन टू द थ्री मिलियन यूरोपियन हाउस होल्ड अभी सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए इसका तो ये जो मूव है वो कहीं ना कहीं जो यूरोपियन यूनियन एनिवल प्लान टू ट्रांसफॉर्म इट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम टू रेल मोस्टली ऑन द रिन्यूबल एनर्जी उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा नेक्स्ट थ्री हंड्रेड फील्ड चीज विथ कॉस्ट टू पॉइंट टू रुपीज बिलियन इन द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द ऑक्सीजन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली दे हैव टुक अ जुडिशियल नोटिस टू द एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट जो बताती है कि फिलिंग ऑफ अ थ्री हंड्रेड हेरिटेज टी टू कंस्ट्रक्ट अ फाइ रेलवे ओवर ब्रिज इन द वेस्टर्न बेंगाल विद द कॉस्ट इंडियन इंडिया स्टारिंग इतना बिलियन ठीक है टू पॉइंट टू बिलियन तक एंड हाउ वॉज दिस फिगर अराइव तो टेन डिजिट फिगर जो यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है ठीक है इट इज़ अरे बाय द कमिटी आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रीज वुल प्रो प्रोड्यूस ओवर हंड्रेड ईयर ऑफ देयर नेचुरल लाइफ टाइम एंड दे इंक्लूड ऑक्सीजन हो गया माइक्रोन्यूट्रींट कंपोजिट बायो फर्टिलाइजर बिसाइड दिस ट्री बिकम अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ अ नेचुरल इन्वॉर्मेंट बेसिंग बेस ऑन दिस एक इंडिविजुअल ट्री पार्ट विद अ फ्री ऑफ अ कॉस्ट प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड 74500 rupees per year हंड्रेड रुपीज पर ईयर ठीक तो uh, है तो दिस आर द फीगर हाउ दे हैव बिन अराइवड कुछ सजेशन दी गई है कोर्ट की तरफ से तो उन्होंने ऐसा बोला है कि फ्रेम अ न्यू प्रोटोकॉल बाय विच रोड एंड अ हाईवे प्रोजेक्ट जो है ऑट टू बी क्लियर ओनली आफ्टर चेकिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अदर मोड्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट जैसे कि वाटरवेज या रेलवेज हो गया इन केस ऑफ अ रोड प्रोजेक्ट इज इनवेटेबल द वैल्यू ऑफ सच शुड बी बिल्ड इन टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोटे प्रोजेक्ट ठीक है तो यह हो गया कोर्ट uh, का सजेशन नो ब्लैंकेट नॉट गिवन फॉर द सर्विलेंस तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने ऐसा बोला है दिल्ली हाईकोर्ट को कि देर इज नो ब्लैंकेट परमिशन हैज बीन ग्रांटेड टू द एनी एजेंसी फॉर इंटर स्पेक्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्टिंग ऑफ एनी मैसेज और द इंफॉर्मेशन अंडर द सर्विलेंस प्रोग्राम जैसे कि सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया नेटवर्क ट्राफिकिंग एनालिसिस एंड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ठीक है तो किसी भी टाइप की एक परमिशन नहीं दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है दिल्ली हाईकोर्ट को कुछ बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो एफिडेविट केम इन द रिस्पॉन्स ऑफ अ पटिशन सीकिंग टू कंपोज परमानेंट इंडिपेंडेंट ओवर साइड बॉडी फॉर रिव्यूइंग द लॉ फुल इंटरप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑर्डर और द वॉरेंट अंडर द प्रोविजन जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर में दिए गए हैं ठीक है थीके? तो इस पिटिशन को आ, देखते हुए इस आ, ये जो अभी गवर्नमेंट सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ठीक है सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है ठीक है तो ये एक ओवरऑल सिनारे हो गया कि

चाहिए जो स्पीडली करेक्ट करे और एक्शनेबल इंटेलिजेंस थ्रू जो है इस uh, ये जो से उसको रिजोल्व करे अभी इशू क्या हुआ था तो दिल्ली की जो हाई कोर्ट है दे हैव सॉट अ रिस्पॉन्स टू द सेंटर ऑन द पी आई एल क्लेमिंग दैट जो सिटीजन हैं उनकी राइट टू प्राइवेसी हैज बिन इंडेंजर बाई एग्जीक्यूटिंग एन ऑपरेशन ऑफ़ अ सर्वेलेंस सिस्टम द बिल जो है वो एन जी ओ सेंटर ऑफ अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उन्होंने क्लेम किया था कि सर्विलेंस सिस्टम जो अलाउ करती है सेंटर को स्टेट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कि वो इंटरप्ट करे ऑल द टेलीकम्युनिकेशन इन बल्क विच इज़ इन्फ्रीजमेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी एंड डिमांड क्या थी पटिशनर की तो पटिशनर uh, ने ऐसा बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ परमानेंट इंडिपेंडेंट सोवरिन ओवरसाइड बॉडी जुडिशियल और दम पार्लियामेंट्री फॉर इशूंग रिन्यूअल रीन्यूइंग द लॉ इंटरप्रिटेशन एंड मॉनिटरिंग ठीक है तो एक लॉ जो इंटरप्रिटेशन एंड मोनिटरिंग रिलेटेड दिया गया है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट एटीन एटी फाइव में और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में उसको रिव्यू किया जाए उसको जो है उसके बारे में डबल देखा जाए ठीक है तो ये उन्होंने बोला है ऐसा डिमांड उनका है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो अभी गवर्नमेंट हॉल ला रही है ठीक है वाइल्ड एजुकेशन और फॉर द सर्विलियंस पर्पस वो कहीं ना कहीं जो हमारी फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल उसको इन्फ्रिच कर रही है जी एस फोर से है गवर्नमेंट ड्रॉ फ्लैग फॉर एडवर्टाइज एडवर्सल तो इन एन ओपन लीडर ग्रुप ऑफ रिटायर सिविल सीनियर सिविल सर्वन उन्होंने क्रिटिसाइज किया है सेंट्रल्स एटीट्यूड ऑन ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट एज एडवर्सल एंड ऐसा उन्होंने बोला है एंड कंस्टिट्यूशनल कंडक्टेड ग्रुप जो है उन्होंने इश्यू किया है लेटर से इट बिलीव इन इम्पारशलिटी न्यूट्रलिटी एंड कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुप ने ऐसा भी क्रिटिसाइज किया है कि जो गवर्नमेंट है ऑफ इट अटेम्प्ट टू पोरलाइज द एगिटेशन अलॉन्ग द रीजनल

पुलिस फोर्सेज ऑफ दिल्ली एंड हाउस होम एंड डिफेंस मिनिस्ट्री एंड वाई द मीडिया डज नॉट कवर द मेजोरिटी ऑफ फार्मर हुज डूइंग पीसफुल परेड ठीक है तो काफी एरियाज में पीसफुल परेड भी हो रही थी पर उसका कवरेज क्यों नहीं दिखा है मीडिया ने एंड वाई द पुलिस हैव नॉट इमिडिएटली इंटरवीन वेन द न्यू फ्यू होलीगन्स अटैक द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स एट द सिंधु बॉर्डर साइड ठीक है सो दिस आर द फ्यू क्वेश्चन जो अराइज किए है ए ग्रुप ऑफ रिटायर्ड और दिन रिटायर्ड सीनियर सिविल सर्वेंट्स थ्रो फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स परिवार पहचान पत्र स्कीम तो हरियाणा ने यूनिक आइडेंटिटी स्कीम लॉन्च की है ये एनी फैमिली विद हरियाणा रेसिडेंशियल एड्रेस कैन इनरोल इन दिस स्कीम तो फैमिली आईडी रहेगी एट डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल आईडी डी दी जाएंगे रेजिडेंट ऑफ हरियाणा को ये रजिस्ट्रेशन आई जो है दे विल हेल्प दे विल प्रोवाइड टू दोज लिव इन द हरियाणा बट डज नॉट कम्प्लीटली रिसाइ रेजिडेंट रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाउ ओवर वन थाउजेंड वन हंड्रेड सर्विसेज एंड स्कीम्स जो है डिलीवर कर रही है टू द सिटीजन्स वाय अ सरल प्लेटफॉर्म विच इज लिंक टू द पी 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 स्कीम दैट इज परिवार पहचान पत्र ठीक है तो ये हो गया इस न्यूज़ के बारे में एंड इन दिस में कवर अवर टू सेशन हैव अ नाइस डे थैंक यू